साथियों नमस्कार, मार्केट संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज मैं निवाड़ी विधानसभा का चुनाव रोक करती हूँ। आज मैं ऐसे ग्राम के अंदर खड़ा हूँ जो ग्राम बरगू सागर से थोड़ी ही दूरी पे है, जिस ग्राम का नाम है सुनौनिया, जो कि इस ग्राम के अंदर अच्छी खासी वोटिंग नजर आ रही है। साथियों आज मैं सुनौनिया ग्राम के हर एक ग्रामवासी से मिलाने जा रहा हूँ, जानता हूँ कि इस बार कैसा विधायक चाहते हैं निवाड़ी विधानसभा के अंदर। आपका हमारा बादा मेहरबान, कौन से ग्राम में रहते हो? सुनौनिया खास। आपको मालूम है चुनाव आ गया 28 तारीख को? बिल्कुल जी। इस बार का बदलाव की जरूरत है का नहीं है? बिल्कुल। कौन है बदलाव की नजर में इस बार, कौन सा बदलाव? दीपक यादव साइकिल। क्या खासियत है, कुछ क्वालिटी बताइए आप। बढ़िया, हमारे क्षेत्र का विकास हो जी, गरीबों का भला हो और गाँव का विकास हो, हमारी विधानसभा में बढ़िया से खुशी की लहर दौड़े। क्या नाम है आपका? कौन से ग्राम में रहती हूँ आप? सुनौनिया। आपको मालूम है 28 नवम्बर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस बार का विधायक कौन होना चाहिए आपकी नजर में? साइकिल है? साइकिल। साइकिल की क्यों बात कर रहे हो? कांग्रेस भी खड़ी है, सपा बीजेपी भी खड़ी है, सपा भी खड़ी है। क्या नाम है आपका? विभानायक। कौन से ग्राम में रहती हूँ आप? सुनौनिया। आपको मालूम है 28 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं? हाँ मालूम है। तो इस बार बदलाव की जरूरत है क्या नहीं है? है जरूरत। कौन है आपकी नजर में जो गाँव के अंदर काम करा पाएगा, कौन विधायक बन के आएगा? मीरा दीपनाथ। खासियत क्या है उनकी? ये खासियत है कि वो इधर पे आते हैं, गांव में देखते हैं। एक बार वो विधायक रह चुके हैं, पिछली बार है, उसके पहले 5 वर्ष हैं, तो वो आते हैं देखते हैं, लड़कियों की शादियों में आते हैं और उनकी शादियों में आके देखते हैं, कुछ देते भी हैं। अगर तो गरीब लड़कियों के लिए वो कुछ करते हैं। अगर आपको जानकारी हो तो कांग्रेस भी खड़ी है एक तरफ और एक तरफ बीजेपी, निर्दलीय भी लोग बहुत सारे खड़े हैं। तो बीजेपी ने 5 साल में क्या किया इस गाँव के लिए? कुछ नहीं किया, हमारी नज़र में तो कुछ नहीं किया। और हमने भी देखा कि बीजेपी ने मतलब ना गरीब लोगों के लिए ना किसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमने देखा है। और ये जो साइकिल समाजवादी पार्टी है, साइकिल वाले, उन लोगों ने पहली पंचवर्षीय में लड़कियों की शादी की, गरीब लोगों का साथ दिया। तो बस हमें ऐसे ही नेता चाहिए जो हमारे गाँव की जनता के बारे में सोचे, विकास के बारे में सोचे और गाँव के लोगों के बारे में सोचे। क्या नाम है आपका? जैन पाल। कहाँ रहते हो पाल जी? यहीं पर सुनौनिया खास। काय की दुकान है आपकी? कंप्यूटर। कंप्यूटर की, क्या क्या काम करते हो कंप्यूटर? फोटो स्टूडियो। ऑनलाइन सब काम ऑनलाइन। हाँ। आपको मालूम है 28 नवंबर को चुनाव आ गए? हाँ बिल्कुल है। इस बार का विधायक कौन होना चाहिए आपको? अच्छा होना चाहिए जो कौन है वैसे कार्य करने वाला? कार्य करने वाला कौन नजर आ रहा है आपको? अभी हाल तो फिलहाल मीरा जी पर चल रही है जी, कांग्रेस भी खड़ी है। हाँ कांग्रेस भी चल रहे हैं, कैप्टन चल रहे हैं। फिर कौन होना चाहिए जो, एक बताइए आप, जो गाँव के अंदर काम करा पाएगा? मीरा दीपक यादव होना चाहिए। खासकर बताइए क्या है उनमें? वो अच्छे काम करती हैं निवाड़ी विधानसभा में, और क्या रोजगार आना चाहिए हर चीज़ बच्चों के लिए। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? रवि नायक। नायक जी मालूम है 28 नवंबर को चुनाव आ गए जी? हाँ बिल्कुल। इस बार का विधायक कैसा होना चाहिए? इस बार का विधायक जो है वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए, जो स्वच्छ छवि वाला हो। वैसे कौन है आपकी नज़र में? अब हमारे यहाँ अभी सब इसी हिसाब से चल रहा है जी, जैसे स्वच्छ छवि में अभी पहले अनिल जैन जी थे, अब आगे भी देखो क्या विचार बनते हैं, किसके कहाँ जाती है। चुनाव तुम आओ पता है 28 तारीख को चुनाव आ गए। अच्छा, इस बार का विधायक कैसा होना चाहिए? अब विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो जनता की, कौन सी पार्टी का होना चाहिए? कांग्रेस। कौन से ग्राम में रहते हो आप? सुनौनिया। आपको मालूम है 28 तारीख को चुनाव आ गए, कौन होना चाहिए आपकी नज़र से इस बार का विधायक? जो सबका इस वक्त काम करता है। कौन है आपकी नज़र में? जी साइकिल। साइकिल मीरा देवी। क्यों तारीफ कर रहे हो, क्या क्वालिटी है बताइए आप उनमें? उनमें जो है वैसे हर आदमी की सुनते हैं, जीत जाए तो सुनते हैं, हार जाए तो सुनते हैं। अच्छा, बीजेपी खड़ी, कांग्रेस खड़ी? बीजेपी वाले हैं स्वार्थी। अच्छा है कि नहीं? नाम है आपका? हमारा नाम है सुदेश कुमार नायक। पता है चुनाव आ गया 28 तारीख को? जी हाँ बिल्कुल पता है। बदलाव की जरूरत है क्या नहीं है? नहीं, बदलाव की तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि 15 वर्षों में बीजेपी ने हमारे देश को और राज्य को दोनों को ही खोखला कर रखा है, तो इस बार बदलाव की जरूरत है। कौन है आपकी नज़र से इस बार का विधायक? देखिए हमारी नज़र में बदलाव है, और बदलाव के अंदर मीरा दीपक यादव हमारे अंदर बिल्कुल प्रमुख रूप से हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए और राष्ट्र के लिए इतना विकास की मतलब जो रूपरेखा बनाई है वो बहुत ही अच्छी है। राकेश नायक। कौन से ग्राम में रहते हो आप? सुनौनिया गांव। आपको मालूम है 28 नवंबर को चुनाव कर रहे? हाँ। इस बार का विधायक कौन होना चाहिए? इस बार का विधायक सपा का होना चाहिए। क्या क्वालिटी है, क्या फैसिलिटी है? कांग्रेस खड़ी है कि वो निष्पक्ष है जी, उसके जो मेन लीडर हैं इस ग्राम पंचायत में वो दल बदली नहीं करते हैं, किसी को गुमराह नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। और बीजेपी के और जो कांग्रेस के हैं
को आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और नुकसान करते हैं पब्लिक का, ये है उसका। साथियों, ये ग्राम था सुनौनिया, जो कि निवाड़ी विधानसभा से बरुआ सागर से मात्र 5-7 किलोमीटर दूरी पर बनाया है। साथियों, आप मैंने आप सभी को यहाँ से महिलाओं पुरुष एवं सभी से रूबरू कराया। कोई कहता है बीजेपी तो कोई कह रहा है कांग्रेस, कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी। साथियों, बता दूं मैं जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, सामने ये मंदिर आप सभी देख सकते हो। इस मंदिर यहाँ पे अनेक लोग ग्रामवासी या श्रद्धालु आया करते हैं, यहाँ पे दर्शन करने आया करते हैं। साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सभी की अलग अलग भाषा शैली, मुदलखंडी भाषा शैली में अपने अपने एक विचार एक अपने अपने भाषा शैली के द्वारा दिया है। हर व्यक्ति चाहता है कि बदलाव की जरूरत है। साथियों, एक बात कह दूं कि मैं वो तो 28 नवंबर के बाद वक्त ही बतलाएगा कि इस बार का विधायक कौन बनता है, कौन सुनौनिया ग्राम के अंदर विधायक के रूप में बन के आता है, कौन गांव काम करा पाएगा इस ग्राम के अंदर। कैमरामैन रोहित के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, मार्केट संवाद, निवाड़ी।